तो आज का वीडियो एक बहुत ही खास वीडियो होने वाला है जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ MS in USA versus M.Tech in India। काफी टाइम से ये मार्केट में बात चल रही है कि कौन सा बेस्ट है। काफी लोग कहते हैं MS बेस्ट है, काफी कहते हैं M.Tech बेस्ट है। तो आज मैं आपके सामने सारे फैक्ट रखने वाला हूँ कि कौन सा असली में बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो मैं फैक्ट के साथ हर चीजों को पेश करूंगा। मैंने पर्सनली M.Tech किया है IIT से, इसका मतलब ये नहीं मैं थोड़ा पाइज होऊंगा M.Tech के लिए। मैं आपके सामने फैक्ट रखने वाला हूँ एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि मैं पर्सनली क्या पसंद करता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर मैं बात करूँ MS की कि आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा कि आपको US में एडमिशन मिले, तो उसके लिए आपको GRE और TOEFL का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके साथ ही बहुत भी एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी डिपेंड करते हैं, कोई GMAT वगैरह लेता है, कोई IELTS लेता है, लेकिन मेनली जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी है वो आपको GRE से ही आपको ले लेगी और TOEFL से। तो GRE आपका दिखेगा कि आपका जो रीजनिंग है वो किस टाइप का है, TOEFL आपका बेसिकली इंग्लिश का टेस्ट होगा। वहीं अगर मैं IIT में अगर आपको M.Tech में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको देना होगा गेट का एग्जाम। तो गेट का एग्जाम में बेसिकली आपको कोर सब्जेक्ट आपको पूछे जाने वाले हैं। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ MS की, तो उसमें जो भी GRE का जो भी सिलेबस होगा वो मेनली तीन चीजों से पूछा जाएगा। एक आपका वर्बल पूछा जाएगा, एक आपका एनालिटिक्स पूछा जाएगा, एक आपका क्वांट पूछा जाएगा। मेनली वो आपका ये चेक कर रहे हैं कि आप तक आपने लाइफ में जो भी सीखा है कि आपको उन चीजों को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये कोर सब्जेक्टों की ओर नहीं जाते हैं। वहीं जो M.Tech में है वो आपको जिस भी ब्रांच से आपने किया है वहाँ पे आपको कोर सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि इस बच्चे को कितना टेक्निकल नॉलेज है अपने सब्जेक्ट का जिससे ये गेट दे रहा है। अगर मैं टफनेस की बात करूँ तो MS का एग्जाम का लेवल थोड़ा इजी होता है, मतलब इजी ही होता है मैं तो यही कहूँगा। और M.Tech और अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूँ वो थोड़ा हार्ड लेवल का एग्जाम होता है। ये इन दोनों में हम कंपेरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते, एक ईजी है एक हार्ड है काफी ज्यादा। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप MS के लिए ही जाएं USA में, क्योंकि वहाँ पे जो रिसर्च के लिए जो फंडिंग आती है वो बहुत ही हाई लेवल पे आती है। वहीं इंडिया में, अगर इंडिया में भी मैं ये कहूँगा बहुत बुरी है, IIC बैंगलोर आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी रिसर्च बहुत अच्छी लेवल पे होती है। लेकिन अगर मैं US के कंपेरिजन करूँ तो मतलब उनका कंपेरिजन हम कर ही नहीं सकते हैं। अगला जो है फीस स्ट्रक्चर कैसा है, देखो ऑन एन एवरेज MS में आपका खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है, 40 से 50 लाख आप ऑन एन एवरेज माने कि आपका ट्यूशन फीस जो भी आपका रहना खाना का जो भी खर्चा आपका आने वाला है वो इतना आपका आने ही वाला है। वहीं अगर मैं गेट में जब आप M.Tech देने जाते हैं वहाँ पे आपका खर्चा 2 लाख से मैक्सिमम 3 लाख तक जा सकता है और इतने में आपका पूरा M.Tech निकल जाएगा, मतलब पूरा आप इतने में आपका मतलब अच्छे खासा गुजारा हो जाएगा M.Tech में। MS के दौरान आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है जिसमें आप ऑन एन एवरेज 2 लाख से 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। वो आपकी लोकेशन के हिसाब से भी होगा, इंडिया में नहीं होता है ऐसे कि अगर लोकेशन चेंज हो रही है तो सैलरी भी चेंज हो जाएगी। वही सैलरी अगर आप सैन फ्रांसिस्को में तो आपको 4 लाख तक देंगे, और आप सैन फ्रांसिस्को किसी और स्टेट में है जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग उतनी हाई नहीं है तो वही एवरेज सैलरी 2 लाख तक हो जाती है। लेकिन इंडिया में अगर आप M.Tech के स्टूडेंट और इंटर्नशिप करते हैं तो आपको यही 80,000 के ऑन एन एवरेज आपको मिलने वाला है। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से मैं कह सकता हूँ कि लोग दोनों चीजें लगभग बराबर ही है, पर इंडिया में ऐसा नहीं होगा कि मैं बैंगलोर में काम करूंगा तो मुझे अलग सैलरी मिलेगी, हैदराबाद में काम करूंगा अलग सैलरी मिलेगी। इंडिया में कहीं भी आप काम कर ले आपको सैलरी वही मिलने वाली है ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर, लेकिन USA में ऐसा केस बिल्कुल नहीं है। अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो MS में ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, वहीं IITs में ऑन कैंपस प्लेसमेंट ही होता है। आप कंपनियां आपके कॉलेज में आएंगी और आपको उठा के ले जाएंगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आपका प्लेसमेंट आसानी से होने वाला है। अगर आपकी गेट में रैंक 1500 से नीचे और आप किसी भी टॉप के कॉलेज में चले गए हैं NIT IIT IIT तो आपका प्लेसमेंट अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ MS का तो MS में आपको ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना होता है, वहाँ पे आप जाएंगे कंपनी के पोर्टल में जाएंगे अप्लाई करेंगे वहाँ से आपको प्लेसमेंट उठाना होता है, उसके लिए उनका जो बार है वो काफी हाई बन जाता है। MS में अगर आप US में जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा मतलब वो बहुत ही अलग लेवल होगा, जहाँ पे डाइवर्स पीपल होंगे, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग थॉट्स आपको इनपुट मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे लर्निंग सीखने का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। वहीं इंडिया में जब भी आप किसी कंपनी में अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि वो हम 100 करोड़ की आबादी से वो बच्चा निकला है, वो इतना कंपटीशन झेल के आया है, तो वहाँ आपको एक बेस्ट इंडिया का टैलेंट आपको वहाँ मिलने वाला है जिस भी आप कंपनी में आप काम करते हैं। बात आती है कि ऑन एवरेज कितनी सैलरी मिलती है, मैं यहाँ पे सिटी की बात ही करूंगा।
आपको फर्स्ट ईयर में इनहैंड कितना मिलेगा, उसमें बेस सैलरी इंक्लूड करूंगा, आपको स्टॉक्स वगैरह इंक्लूड करूंगा, जो भी आपको ज्वाइनिंग बोनस वगैरह फर्स्ट ईयर का जो भी आपको मिलने वाला है मैं वही इंक्लूड करके बताने वाला हूं। तो अगर मैं एमएस की बात करूं तो आपको 70 लाख से 1 करोड़ ऑन एन एवरेज मिल जाएगा। अगेन वो लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करेगा, अगर आप सैन फ्रांसिस्को में तो वहां पे एवरेज सैलरी 1 करोड़ तक जाएगी, लेकिन अगर उससे बाहर है तो 70 लाख तक। वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहां एवरेज सैलरी जो जाएगी एक स्टूडेंट की वो 18 से 22 लाख तक जाएगी। अब आप सोच रहे हो कि भैया इंटर के बीच कंपैरिजन कैसे करूं, मतलब ये तो बहुत ही हाई लग रहा है, 1 करोड़ यहाँ 22 लाख बहुत कम लग रहा है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, अगर यही बंदा अमेरिका में रहता है, अमेरिका में खर्च करता है, इंडिया कभी वापस नहीं आता है, तो ये दोनों सैलरी बराबर है। लेकिन ये बंदा यहाँ पे कमा रहा है लेकिन खर्च इंडिया में आके करता है, मतलब वहां पे उसने खर्ची की है, जो भी टैक्सेस वगैरह देगा, जो खर्चा पानी, उसके बाद इंडिया आता है, तब ये 1 करोड़ वाली सैलरी काफी बड़ी होगी एज कम्पेयर टू इस वाले इंसान से। तो अगर मैं एमएस में बात करूं तो आपको 3 साल जॉब करने के बाद आपको H1B वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपको वीजा नहीं मिला तो आपको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको मिल गया तो आप दोबारा वो काम कंटिन्यू रख सकते हैं, वहां पे सैलरी बहुत ही जल्दी जल्दी आपकी बढ़ेगी। तो वहां पे अगर आपको $1 million की सैलरी में जाने के लिए आपको 4 से 5 साल ही नहीं, 5 साल मैक्सिमम आप आराम से $1 million आराम से क्रॉस कर दोगे अगर मैं यूएस की बात करूं। वहीं अगर इंडिया में बात करूं, अगर आपको यहां से अगर आपको यूएस जाना है ओके, तो आपको पहले उसी कंपनी में काम करना होगा जिस कंपनी में 1 साल, फिर आपको वहां से आप वीजा लेके फॉरेन कंट्री में जा सकते हो, यूएस में जा सकते हो, उसी L1B वीजा हम उसे कहते हैं, उससे आप उसी कंपनी के लिए दूसरी कंट्री में काम कर सकते हैं यूएस में। हाँ, यूरोप वगैरह में जाना इजी है लेकिन यूएस में जाना थोड़ा टफ रहता है। तो ये मैंने आपको एक और कंपैरिजन बता दिया। अगर मैं एमएस की बात करूं तो ये मुझे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम लगता है। रिस्क थोड़ा बड़ा है कि हाँ पैसे लग रहे हैं तो रिस्क होगा ही थोड़ा बड़ा, लेकिन रिवार्ड भी उसी कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है। अगर मैं एमटेक की बात करूँ, रिस्क बहुत बड़ा नहीं है लेकिन रिवार्ड भी मीडियम लेवल का है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हर किसी को मैं अपने पैकेज से कंपेयर करूँ कि मुझे 2 करोड़ मिल गया तो हर किसी को मिल जाएगा। देखो एक्सेप्शन होते हैं, मैं ये कहूँगा मैं बहुत ही टैलेंटेड था, पर एक्सेप्शन है तो मैं जनरलाइज उन चीज़ों को नहीं करूँगा। तो मैं वही आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे जनरल केस ही मैं आपको ये पूरा केस स्टडी आपको बताया। अब कोर्स कितने हेक्टिक होते हैं एमएस और एमटेक में, तो हर कोर्स का जो लेवल है ना दोनों का लगभग बराबर ही है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ एमएस करके आप बहुत ही अलग कुछ सीखने वाले हैं, यहाँ एमटेक से आप बहुत ही अलग सीखने वाले हैं, एट द एंड दोनों जगह आपको ही खुद से एफर्ट मारने पड़ेंगे। हाँ, जो आपके आपके अगल बगल के जो लोग हैं वो आपको मदद कर सकते हैं अच्छा खासा सिखाने में। अब मैं अपना ओपिनियन देने जा रहा हूँ कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। अगर मैं पुअर हूँ और या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मैं चाहूंगा कि मैं गेट से ही एग्जाम है उसको दूं, मैं एमएस अब्रॉड के होना चाहूँ क्योंकि वो बहुत ही रिस्क वाला गेम मिलने हो सकता है। अगर मेरा प्लेसमेंट अगर 1% भी पॉलिटी अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मेरा फ्यूचर काफी खराब हो सकता है, ऊपर से ऊपर लोन हो सकता है, पॉलिटी का मैं फिर भी मैं उसको कंसिडर करूंगा। अगर मैं बहुत ही अमीर हूँ तो मैं गेट तो दूंगा नहीं आसानी से, क्योंकि एमएस बहुत ही एग्जाम है, मैं वहां जाऊंगा, कहां यूएस जाऊंगा, वहां जाके एंजॉय करूंगा, एक अच्छा प्लेसमेंट उठाऊंगा और वही बस जाऊंगा, बसूंगा कैसे शादी कर लूंगा वहां की लड़का लड़की से जिससे भी। अब बात आती है मिडिल क्लास फैमिली की, वो क्या डिसीजन लें। अब मैं मिडिल क्लास बच्चों के लिए यही कहूंगा, जो भी है आप गेट पक्का दें, पक्का दें। अगर गेट हुआ आपका हो जाता है तो IIT में चले जाए, नहीं हुआ एमएस की प्रिपरेशन करें 1 महीना, एमएस जाके सीधा फॉरेन जाए, वहां जाके मजे करें, अपनी पढ़ाई जो भी आप करोगे आपका प्लेसमेंट अच्छा लग ही जाएगा। तो मैं यही मेरा पूरा कंक्लूजन है, इसलिए मैंने इनको पार्ट में बांटा। अगर आप पूरा लोअर मिडिल क्लास हैं तो आप मैं तो कहूंगा आप गेट की ओर ही जाए, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो जो ऑप्शन मैंने भी आपको बताया टीचर, तो फिर तो आप एमएस के लिए बिल्कुल जाए, लाइफ इंजॉय करें। तो यही मेरे टोटल वीडियो का कंक्लूजन था। अगर कोई कहता है कि गेट मत दो, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ उस चीज से, गेट देना है, पर गेट बहुत ही अच्छा एग्जाम है यार, आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पक्का बताएं। और जो टैबलेटर का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जरूर डाउनलोड करें। तब तक के लिए बाय बाय।